तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रहीम दास जी के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं रहीम दास जी से रिलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि रहीम, तुलसी, कबीर, इनसे रिलेटेड आपको हिंदी एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो जितने भी आज के इस वीडियो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगले वीडियो हम नेक्स्ट कवि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है रहीम के पिता का क्या नाम था। नंबर एक अकबर, बी नंबर बीरबल, सी नंबर शाहजहाँ, डी नंबर बैरम खां। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि पिछले 2-3 सालों से रूल चेंज हुआ है कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोल रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, लिखना ही वाला आता है। तो मैं उनको यही बताऊंगा, जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में रूल्स चल रहा है तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, बट उनको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से रहीम किसके उपासक थे। नंबर एक श्री कृष्ण के, बी नंबर श्री राम के, सी नंबर बुद्ध के, डी नंबर इनमें से सभी। तो रहीम जी दास जो थे वो किसके उपासक थे। आपको इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे, जो राइट आंसर होगा उसको आपको ओमार शीट में फिल करना होगा। मैंने फिलहाल आप लोगों को बता दिया है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे फिल करना होता है। अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं चैनल पर जाके देख लीजिए। तो आप लोगों का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्री कृष्ण। जो रहीम दास जी थे वो श्री कृष्ण के उपासक थे, ठीक है। तो आप लोगों को ओमार सीट मिलेगी। फिलहाल आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पूरी डिटेल बताई जाएगी, ये टेंशन ना रखिए कि अरे मुझे तो मालूम नहीं कैसे फिल करना है क्या है, वहाँ सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा, चार ऑप्शन होंगे ऐसे, ठीक है। तो जो राइट होगा ए बी लिखा होगा, ठीक है, उसमें आपको गोला कर देना जो सही रहेगा, ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल के बगल में एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है, ये प्रोसेस कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था। नंबर एक देव, बी नंबर नंददास, सी नंबर रहीम दास, डी नंबर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रहीम दास। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं रहीम दास जी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार सोरठा किसकी कृति है। नंबर एक कबीरदास, बी नंबर रहीम दास, सी नंबर तुलसीदास, डी नंबर केशवदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर रहीम दास जी की है। श्रृंगार सोरठा, ये सब कृति आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कृति किसकी है या ये रचना किसकी है, ठीक है, ध्यान देना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि ये सारे जो क्वेश्चन किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल हैं। तो मैं आपको ये बता दूं पहले क्लियर कि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा हिंदी जो आप लोगों का पेपर होता है, ठीक है, उसमें रहीम दास, तुलसीदास, कबीर दास, ठीक है, जायसी जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं, इसलिए ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल हैं। अगर रहीम दास जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको ध्यान देना है, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रट के जाइएगा। मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ से पीडीएफ में ले सकते हैं, कहाँ से इसकी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट में मैं बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, रहीम दास का जन्म किस सन में हुआ था। नंबर एक है 1607, बी नंबर 1780, सी नंबर 1800 और डी नंबर है 1556। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1556 में, ठीक है, रहीम दास जी का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, रहीम दास जी के
रहीम दास जी किसके लिए अधिक प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं? नंबर एक दान देने के लिए, बी नंबर पूजा करने के लिए, सी नंबर है सत्य बोलने के लिए, और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई दान देने के लिए भी प्रसिद्ध है, सत्य बोलने के लिए भी है, पूजा करने के लिए भी, ऐसा कर देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। एक पार्टिकुलर एक चीज़ में होता है कि ना, जिस चीज़ में फेमस है उसका नाम, तो वो है दान देने के लिए अधिक प्रसिद्ध है या ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम सतसई किसकी कृति है? नंबर एक दुला, बी नंबर रहीम दास, सी नंबर देव, डी नंबर सेनापति। राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही है, बी नंबर रहीम दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रहीम दास जी किस काल के माने जाते हैं? नंबर एक वर्तमान काल, बी नंबर आदिकाल, सी नंबर रीतकाल, डी नंबर भक्तिकाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या, भक्तिकाल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर भक्तिकाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में रहीम का पूरा नाम क्या है? नंबर एक गुलजार, बी नंबर अब्दुल रहीम खान खाना, और सी नंबर है जगमोहन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि रहीम दास जी का पूरा नाम क्या है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, बी नंबर अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास जी का पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में रहीम के मित्र कौन थे? तो नंबर एक है केशवदास, बी नंबर है कबीरदास, सी नंबर जायसी, डी नंबर तुलसीदास। तो जो रहीम दास जी के दोस्त यानी फ्रेंड्स थे उनका नाम था डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। ध्यान देना है क्वेश्चन को आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम दास जी किस प्रकार के कवि थे? नंबर एक बोधपरक, बी नंबर ज्ञानपरक, सी नंबर काव्यपरक, डी नंबर नीतिपरक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो रहीम दास जी थे वो नीतिपरक कवि थे। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन में रहीम दास जी से रिलेटेड बताने वाला हूँ। अगर आप इस सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ अगर अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको पूरी तरह सफलता मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो मैंने रहीम दास जी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सारे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, इनमें से नगर शोभा किसकी रचना है? ए नंबर घनानंद, बी नंबर पद्माकर, सी नंबर तुलसी, डी नंबर है रहीम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नगर शोभा, वो है रहीम दास जी की। ठीक है, रहीम दास जी की नगर शोभा रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम दास को खान खाना की उपाधि किसने दी? अभी आप थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे कि रहीम दास जी का पूरा नाम क्या था, तो आपने पढ़ा था अब्दुल रहीम खान खाना। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि रहीम दास जी को खान खाना की उपाधि किसने दी? तो नंबर एक शाहजहाँ, बी नंबर आलम, सी नंबर अकबर, और डी नंबर बीरबल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, अकबर ने रहीम दास जी को खान खाना की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से रहीम के पिता कौन से शहंशाह के संरक्षक थे? जो रहीम दास जी के पिताजी थे वो किस शहंशाह के यहाँ पर संरक्षक का वर्क करते थे, यानी काम करते थे या संरक्षक थे? तो नंबर एक है बाबर, बी नंबर शेरशाह सूरी, सी नंबर शाहजहाँ, डी नंबर है अकबर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बेशक बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रहीम जी की कौन सी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें नवरत्नों में स्थान दिया था? आप लोगों को मालूम ही होगा नवरत्नों के बारे में, तो किस योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें नवरत्नों में स्थान दिया था? तो नंबर एक है तुलना की, बी नंबर सोचने की, सी नंबर है ज्ञान की, डी नंबर है तर्क की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने नवरत्नों में स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विश्व्यापत रही लिपटे राहत भुजंग, किसकी पंक्ति है? आप लोगों को ये पंक्ति पढ़ा ही होगा, ये दोहा पढ़ा ही होगा आप लोगों ने सभी ने, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये किसकी है? तो नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर कबीरदास, डी नंबर नंददास। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, रहीमदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम में निम्न में रहीम की कौन सी कृति अप्रप्याय है? नंबर एक भैरवे, बी नंबर मदनाष्टक, सी नंबर संगार सोरठा, और डी नंबर है रास पंचध्यायी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा? डी नंबर रास पंचाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमदास किससे प्रभावित होकर साहित्य की ओर झुके थे? नंबर एक पिता, बी नंबर बहन, सी नंबर भाई, डी नंबर पुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पिता। पिताजी से प्रभावित होकर, ठीक है, वो साहित्य की ओर झुके, ठीक है, यानी कि उसमें काम करना स्टार्ट किया और भी तेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर रहीमदास जी का जन्म हुआ था, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि रहीमदास का जन्म कहाँ हुआ था या किस स्थान पर हुआ था। नंबर एक है काशी, बी नंबर है आगरा, सी नंबर ग्वालियर, डी नंबर लाहौर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, लाहौर में हुआ था। ठीक है, ध्यान देना आप लोगों की सारे क्वेश्चन, जन्म किस सन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, माता का क्या नाम था, पिता का, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस कवि को प्रधान सेनापति पद पर नियुक्त किया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम ही है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रहीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रहीमदास जी की माता का क्या नाम था? नंबर एक खुलसी, बी नंबर सुल्तान बेगम, और सी नंबर है प्रेमा, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा लिखने में टाइप करने में मिस हो गया, आप कहीं नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, मतलब कोई नहीं, ये है कोई नहीं इसकी जगह। तो रहीमदास जी के जो माता जी का नाम था वो था, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, सुल्तान बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरवे के अब तक कितने छंद मिले हैं? नंबर एक 150, बी नंबर 1260, सी नंबर है 700, और डी नंबर है 105। तो जो अभी तक यानी कि उनके काल तक जितने भी छंद मिले हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, सॉरी ए नंबर नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 105। वो सिमिलर थे ना तो मुझे लगा वो होगा, लेकिन हो कितने थे टोटल? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने अपनी नीति परक रचना ज़्यादातर कौन से छंद में की? ठीक है, तो नंबर एक है भैरवे में, बी नंबर सोरठा में, सी नंबर चौपाई में, डी नंबर है दोहा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर दोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमदास जी की सुक्तियों पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? नंबर एक कबीर, बी नंबर खुसरो, सी नंबर देव, और डी नंबर है जायसी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ठीक है, कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमदास जी की कृति संगा सोठा में अब तक कितने छंद मिले हैं? नंबर एक 8, बी नंबर 6, और सी नंबर है 12, और डी नंबर है 4। तो राइट आंसर इसका क्या होता है दोस्तों, अभी तक जो मिले हैं वो हैं बी नंबर, राइट आंसर 6 छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य जगत में भैरवे छंद का जनक किसे माना जाता है? नंबर एक रहीमदास जी, बी नंबर तुलसीदास जी, सी नंबर पद्माकर जी, और डी नंबर है बिहारी जी।
तो जो हिंदी काव्य जगत में भैरवे छंद का जनक माना जाता है उनका नाम है श्री रहीमदास जी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, रहीमदास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रहीमदास जी के पिताजी के गुजरने के बाद यानी कि एक्सपायर होने के बाद, मृत्यु के बाद, किसने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर लिया था। तो जो यानी रहीमदास जी के पिताजी थे बैरम खां, उनके एक्सपायर होने के बाद रहीमदास जी की शिक्षा दीक्षा का पूरा जो ध्यान रखा है या जिन्होंने अपना ऊपर पूरा दायित्व लिया था कि मैं ये सब करूँगा, इनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा, तो नंबर एक है अकबर, बी नंबर हुमायूं, सी नंबर है बाबर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या होता है, नंबर एक ए नंबर अकबर, क्या होता है अकबर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये किस कारण से रहीमदास जी जीवन कष्टकारी हुआ, यानी कि किस की वजह से, किस कारण की वजह से रहीमदास जी का जो जीवन था वो कष्टकारी हो गया था। नंबर एक अंधेपन के कारण, बी नंबर बीमार होने के कारण, सी नंबर विकलांग होने के कारण, डी नंबर नज़र बंद होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, नज़र बंद होने के कारण रहीमदास जी का जो जीवन था वो काफ़ी कष्टकारी हो चुका था। तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए क्योंकि एक ना एक कोई कारण पूछ लिया जाता है किसी भी चीज़, किसी भी कवि की कमजोरी के बारे में, ठीक है। तो ये उनकी एक कष्टकारी जो जीवन था उसका मेन रीज़न था नज़रबंद होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमदास जी का तदात्मक भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से किससे अधिक मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि रहीमदास जी का जो तदात्मय भाषा भाव और ठीक है दोनों ही दृष्टि से यानी कि भाव भाषा के दोनों के दृष्टि से किससे अधिक मिलता जुलता था, किस कवि से। तो नंबर एक है गिरी राय से, बी नंबर जायसी से, सी नंबर तुलसीदास से और डी नंबर है इनमें से एक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिक मिलता था ठीक है भाषा और भाव दोनों से वो थे श्री तुलसीदास जी। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि रहीमदास जी का देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ था या कब हुई थी, ठीक है। तो अब फाइनली स्टार्टिंग से हम लोग आए कि जन्म कहाँ हुआ था, जन्म किस सन में हुआ था, माता पिता का नाम। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो रहीमदास जी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर एक है 1800, बी नंबर 1770, उसी नंबर है 1630, डी नंबर है 1627। तो राइट आंसर इसका आप लोगों को मालूम है तो बेशक कमेंट सेक्शन आपका है बता सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, 1627 में रहीमदास जी एक्सपायर हो गए थे यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए ये क्वेश्चन सब आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे और PDF फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप एक सेकेंड टाइम दीजिए। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट की ओर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं BA एग्जाम क्वेश्चन और आंसर और ये वेबसाइट है ये वाली, ठीक है। इसमें लिखा है डब्ल्यू, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, sandeepinfo.com करके लिखा होगा नीचे वेबसाइट लिंक, ये वेबसाइट का लिंक है नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको BA से रिलेटेड बहुत सारे आपको पार्टल पेपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप लोगों को हिंदी हो, चाहे सामाजिक शास्त्र हो और चाहे इंग्लिश हो, और भी बहुत सारे आपको वो मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और मैं इसी तरह आप लोगों को जैसे कि आज रहीमदास जी के बारे में बताया, किसी दिन कबीरदास जी के बारे में और तुलसीदास जी के बारे में, यानी जितने भी कवि हैं सभी के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के अच्छे से जाते हैं तो आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आज मैंने डाल दिया है फिलहाल, आप लोग देख सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और ये फेसबुक पेज है, अगर आप हमें इस पर फॉलो करना चाहते हैं तो बेशक फॉलो कर सकते हैं, मैं इस पर भी हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं, क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।